जैसा कि आप लोग जानते हो, पिछली वीडियो आप लोगों ने अगर देख ली थी तो हम लोगों ने पॉलिटिकल की क्लास शुरू की थी, और पॉलिटिकल की क्लास में बिल्कुल बेसिक जो कंसेप्ट एक या बेस जो नींव जो तैयार करता है वो राजनीति के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज की जो हमारी क्लास होगी वो पिछली ही जो सीरीज पॉलिटिकल की हम लोगों ने शुरू की है उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और पूरी पॉलिटिकल यानी पूरा राजनीतिक विज्ञान ऐसे ही स्टेप वाइज हम लोग आगे करने की शुरुआत आज करते हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास में साथियों एक बार रिपीट कर लेते हैं हमारा क्या क्या हुआ था, तो उसके दौरान ही हम अगली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में साथियों हम लोगों ने देख लिया था कि राजनीति किसे कहते हैं, तो राजनीति किसे कहते हैं वो पिछली क्लास में हमारा हो चुका था, और राजनीति जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका अर्थ क्या है, और किन किन अर्थों में राजनीति शब्द का प्रयोग किया जाता है, अगर ये आप लोग जानना चाहते हो तो हमारी आप पिछली क्लास को देख सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने किया था विश्व भर में प्रमुख शासन प्रणालियाँ, और शासन प्रणालियों के अंदर हम लोगों ने दो शासन प्रणाली की थी, एक तो हम लोगों ने की थी राजतंत्र और दूसरी की थी लोकतंत्र। अब राजतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं, इसको भी साथियों पिछली क्लास में बड़ी विस्तृत वर्णन इस चीज का किया गया था, तो आप लोग उसमें देख सकते हो। अब क्योंकि हमारी HSSC SSC या UPSC कोई भी कमीशन की आप लोग तैयारी करते हो तो उसमें टॉपिक होता है हमारा भारतीय राजव्यवस्था। अब क्योंकि भारतीय राजव्यवस्था लोकतांत्रिक है तो इसलिए लोकतंत्र को हमने बड़ी गहराई के साथ और बड़े विस्तार से इसका विवरण किया था। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या किया था, एक तो किया था हम लोगों ने लोकतंत्र की परिभाषा, और लोकतंत्र की परिभाषा जैसा कि आप लोग सभी जानते हो लोकतंत्र वो शासन प्रणाली है जिसमें लोगों का शासन होता है, लोगों के द्वारा होता है और लोगों के लिए होता है। ये जो परिभाषा दी गई थी साथियों ये परिभाषा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी, ठीक है साथियों। इसके बाद दूसरा हम लोगों ने किया था लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के प्रकार भी आप लोगों को पिछली क्लास में बता दिया था, दो प्रकार होते हैं, एक अध्यक्षात्मक और दूसरा संसदात्मक। उसके बाद तीसरी क्लास हम लोगों ने की थी लोकतंत्र की प्रकृति, वो भी कंप्लीट थी पिछली क्लास में। और चौथा जो पॉइंट किया था हम लोगों ने लोकतंत्र के स्तंभ। तो साथियों लोकतंत्र क्योंकि भारतीय राजव्यवस्था भी लोकतांत्रिक है तो अब लोकतंत्र को देखते हो। देखियो साथियों यदि बात की जाए भारतीय राजव्यवस्था की तो भारतीय राजव्यवस्था बात ठीक है कि ये लोकतांत्रिक है, बट इस लोकतंत्र के अंदर जैसा आप लोगों ने इसकी परिभाषा में पढ़ा कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र एक वो शासन प्रणाली होती है जिसमें लोगों का शासन होता है, लोगों के द्वारा होता है तथा लोगों के लिए होता है। अब इसके अंदर देखने वाली जो बात है दोस्तों, वो देखने वाली बात ये है कि भारत के साथ इसकी कंपैटिबली स्टडी करेंगे। अब देखते हैं भारतीय राजव्यवस्था जो कि भी लोकतांत्रिक है उसमें लोगों का शासन है या नहीं है, लोगों के द्वारा है या नहीं है, और लोगों के लिए है या नहीं है, वो इसकी कंपैटिबली स्टडी इसके साथ साथ करते हुए चलेंगे। देखो अब भारत में लोगों का शासन है, जैसे आप लोग देखते हो मोदी की सरकार है, लोग है, कोई जानवर तो है नहीं, मशीन तो है नहीं। दूसरा लोगों के द्वारा, अब लोगों के द्वारा कैसे, राजतंत्र के अंदर आप लोग देखते हो कि एक राजा के द्वारा शासन होता है, न कि वहां के सभी लोगों के द्वारा। अब इसी में बात करते हैं भारत में या लोकतंत्र में, तो भारत में लोगों के द्वारा शासन है या नहीं है, अब वो प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से सही, ठीक है। देखियो साथियों मोदी या भारत सरकार जो शासन करती है वो हमारे द्वारा चुनने के बाद ही सरकार शासन करती है, ठीक है। तो लोगों के लिए एटलीस्ट किसके लिए शासन कर रही है सरकार, भारत सरकार किसके लिए काम करती है, भारतीय नागरिकों के लिए, आपके लिए, हमारे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन बिल्कुल उचित है। अब देखना साथियों ये है कि लोकतंत्र के अंदर शासन लोगों का है, लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए, बट बात बड़ी है शासन कौन करेगा, कैसे शासन होगा। अब उसके लिए लोकतंत्र के अंदर क्या किया जाता है, लोकतंत्र के अंदर कुछ सर्वमान्य नियम बनाए जाते हैं,
क्या बनाए जाते हैं? सर्वमान्य नियम, और इन सर्वमान्य नियमों को ही राजनीतिक व्यवस्था में संविधान कहा जाता है। अब साथियों देखना, ये संविधान है क्या, संविधान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है? तो वही डेफिनेशन आप लोग लिखोगे, संविधान किसे कहते हैं, संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई है, और सबसे पहले दुनिया में किसका संविधान था। तो आइयो देखते हैं साथियों, संविधान किसे कहते हैं। साथियों, संविधान शब्द की उत्पत्ति परिभाषा आप लोग लिखोगे, संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूटर CONSTATUTOR नामक शब्द से हुई है, नामक शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ प्रबंधन करने का अर्थ है भाई मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना तथा व्यवस्था स्थापित करना है। यहीं से कंटिन्यू करेंगे। संविधान किसी भी देश का वो मौलिक दस्तावेज होता है, जिसके द्वारा उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। तो देखियो बच्चों, एक बार संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं, और उसकी परिभाषा क्या है। संविधान शब्द जो है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूटर नामक शब्द से हुई है, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रबंधन करना। अब देखियो साथियों, भारत के अंदर भी संविधान है, और इस संविधान के द्वारा ही देश के अंदर पूरी मैनेजमेंट सुचारू ढंग से कार्य कर रही है। यदि यह संविधान नहीं होता तो यहां पर वही पुराने समय वाला मत्स्य कानून, जिसको फिश लॉ बोल देते हैं, हम बड़ी मछली छोटी मछलियों खाती है, तो सेम उसी प्रकार अगर संविधान देश के अंदर अस्तित्व में नहीं होता तो वही मत्स्य कानून पुराने वाला लागू हो जाता है, ठीक है। आज जो पूरे देश के अंदर जो मैनेजमेंट, जो प्रबंधन आप लोग देखते हो, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, संविधान की वजह से है। तथा व्यवस्था स्थापित मिलती तो है आपको, सबसे ऊपर देश किसे, देश में सबसे ऊपर राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति है, फिर प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है। तो ये जो व्यवस्था स्थापित कर रखी है, इस व्यवस्था को स्थापित करने में भी किसने सहायता की है, संविधान ने की है, ठीक है। तो ये तो है संविधान शब्द की उत्पत्ति और उसका शाब्दिक अर्थ। अब देख लेते हैं संविधान कार्य क्या करता है। देखियो साथियों, संविधान किसी भी देश का वो मौलिक दस्तावेज होता है जिसके द्वारा उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद अब आगे देखते हैं संविधान की शुरुआत। प्रश्न पूछ लेता है, विश्व में संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने दिया, या संविधान की जननी या संविधान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है। तो ये सवाल आप लोगों को परीक्षाओं में बार बार देखने को मिलता है, तो वो अब क्वेश्चन वाइज उसको कर लेते हैं। ये तो है संविधान शब्द की उत्पत्ति और संविधान का अर्थ या उसकी परिभाषा, ठीक है। दूसरे नंबर पर अब हम लोग करेंगे संविधान की शुरुआत, संविधान की जननी या संविधान की उत्पत्ति, ठीक है। तो इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी को।
देखियो भाई, पूछता है संविधान का विचार किसने दिया, तो लिखोगे आप लोग संविधान का विचार सर्वप्रथम ब्रिटेन ने दिया। परंतु उसका संविधान आज तक अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान है। देखियो भाई, दो क्वेश्चन यहां से तैयार होते हैं। पहला तो ये पूछ लेगा विश्व में सर्वप्रथम संविधान का विचार किसने दिया, तो उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा अपना ब्रिटेन ने दिया। पूछ लेगा संविधान की जननी किसे कहा जाता है, तो भी उत्तर क्या होगा, ब्रिटेन होगा। फिर है संविधान की माता किसे कहा जाता है, तो उसका भी उत्तर क्या होगा, ब्रिटेन होगा। अब दूसरा सवाल इसमें यह बनता है विश्व के किस देश का संविधान आज तक अलिखित संविधान है, तो उसका उत्तर भी क्या है, दोनों मैंने स्टेटमेंट में लिख दिए हैं। संविधान का विचार सर्वप्रथम ब्रिटेन ने दिया, परंतु उसका संविधान आज तक अलिखित संविधान है। तो दूसरा सवाल अब यह बनता है, यहां पर अगले ही कदम पे पूछता है कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो लिखित संविधान दोस्तों जो है सर्वप्रथम वो है यूएस का। इसमें आप लोग लिखोगे विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो इसका उत्तर है साथियों यूएस। अब इसी में कंटिन्यू आप लोग करोगे, इसमें आप लोग लिखोगे परंतु यह है विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, सबसे छोटा लिखित संविधान है, तो आगे पूछता है इसमें अनुच्छेद कितने हैं, इसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं, 7 आर्टिकल्स। देखियो इस स्टेटमेंट के अंदर भी दो सवाल आप लोगों के अंदर आपके मिलेंगे। एक तो पूछ लेगा विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो लिखित संविधान विश्व में सबसे पहला है यूएसए का है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों से पूछ लेगा कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, तो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान भी किसका है, यूएसए का है, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने देखा विश्व में संविधान की शुरुआत किसने की है और उसका संविधान आज तक अलिखित संविधान है ब्रिटेन। दूसरा हम लोगों ने देखा है कि विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है, वो यूएस का है, परंतु वो केवल 7 अनुच्छेद के साथ वो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान भी है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आप लोग लिखोगे कि दुनिया में या विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो इसका उत्तर साथी होगा भारत। और भारत के संविधान के अंदर आप लोगों को 395 अनुच्छेद देखने को मिलेंगे, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं
विश्व में सर्वप्रथम संविधान की शुरुआत या संविधान का विचार किसने दिया है? ब्रिटेन ने दिया है। और सबसे पहला लिखित संविधान दुनिया में किस देश का है? तो वो यूएस का है, परंतु उसका संविधान आज तक विश्व के सभी संविधानों में सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। दूसरा है पॉइंट, फिर ये 1788 में लागू हुआ था, ये संविधान वहाँ का बन करके तैयार हुआ था। फिर है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल किए गए हैं, और ये सन 1950 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये तो साथियों थी संविधान की बात या संविधान का उल्लेख विश्व के संदर्भ में या वर्ल्ड कंटेक्स्ट में। अब क्योंकि हमारे जो सिलेबस का जो हिस्सा होता है हमारी परीक्षाओं के, वो सिलेबस में दिया होता है भारतीय राज व्यवस्था, तो अब संविधान को हम लग पढ़ेंगे इंडियन कंटेक्स्ट में, यानी भारतीय संदर्भ में। अब दो इसमें हम लोगों ने डिवाइड करके संविधान को पढ़ा है, एक तो पढ़ा है हमने दुनिया के संदर्भ में या विश्व के संदर्भ में, और अब हम लोग स्टडी करेंगे इसकी भारत के संदर्भ में। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान का इतिहास या भारत में संविधान। देखो भाई, आप लोगों को क्या लगता है कि भारतीय संविधान क्या है, कब बना है? आप लोग बड़ी अच्छी तरह ये लोग आप लोग जानते होंगे कि भारतीय संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ, और उसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। परंतु क्या आप लोगों के दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आई कि संविधान क्या पहले संविधान नहीं था? प्राचीन जो भारत था उसमें संविधान नहीं था, मध्यकालीन जो भारत था उसमें संविधान नहीं था, आधुनिक भारत जो आया 50 से पहले का उसमें संविधान नहीं था, तो भारत में संविधान की शुरुआत कहां से होती है? ठीक है, संविधान का अर्थ आप लोगों ने देख लिया क्या है। संविधान का अर्थ जो है वो प्रबंधन करना यानी मैनेजमेंट करना और व्यवस्था करना है। क्या 26 जनवरी 1950 से पहले मैनेजमेंट नहीं थी देश के अंदर? थी उससे पहले भी। उस टाइम प्रबंधन नहीं था, था उस टाइम भी प्रबंधन। व्यवस्था कोई सिस्टम नहीं था, था उसके अंदर भी। राजे महाराजा सर्वोच्च होते थे, आज राष्ट्रपति सर्वोच्च है, तो फिर कैसे क्या था? देखियो साथियों, 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ है वो लोकतांत्रिक ढंग से तैयार किया गया संविधान था, बट उसके पूर्व भी भारत के अंदर संविधान था। आप लोग देखते हो कि भारत के अंदर सबसे प्राचीन जो सभ्यता था विश्व की वो हड़प्पा सभ्यता जो थी। हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए विश्व भर में प्रमुख थी, फेमस थी। तो बिना किसी नियम के, बिना किसी मैनेजमेंट के, बिना किसी प्रबंधन के, बिना किसी व्यवस्था के, क्या आप लोगों को लगता है इतनी उन्नत किस्म की कोई सभ्यता, संस्कृति या नियोजित व्यवस्था स्थापित हो सकती है? साथियों, नहीं हो सकती। उसके लिए सबसे पहले ये चीज़ जरूरी है कि कोई नियम, कोई रूल रेगुलेशन होने चाहिए। तो उस टाइम पे भी रूल रेगुलेशन थे, उस टाइम पे भी नियम थे, हाँ, बट फर्क सिर्फ इतना है उस टाइम का जो संविधान था, वो एक व्यक्ति केंद्रित था, यानी राजा जो कहता था राज्य के अनुसार ही नियम कानून बनाए जाते थे। और आज का जो संविधान है यानी कानून है वो जनता ओरिएंटेड यानी पब्लिक ओरिएंटेड है, यानी लोगों को मुख्य केंद्र माना गया है। ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित होना चाहिए, ऐसे कानून का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो साथियों भारत के अंदर संविधान की शुरुआत जो होती है वो ना सिर्फ और सिर्फ 26 जनवरी 1950 को होती है, ये हमारे को हड़प्पा में ही देखने को मिल जाती है। और समय समय पर जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार होता गया, तो उसी तरह समय समय पर हर राजा अपने अनुसार संविधान मतलब नियमों का निर्माण करता रहा। हाँ, बट जो स्टडी हमारे को करनी होती है, जो क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं आपका संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है उससे। ठीक है, तो अब उसके लिए भी 26 जनवरी 1950 को आप लोगों को दिखता है कि भारतीय संविधान लागू हुआ, बट उसको
इस दिन के रूप में देखने के लिए एक लंबा संघर्ष भारतीयों के द्वारा किया गया है। अब वो किन किन स्टेप से वो गुजरा है उसको हम देख लेते हैं। आप लोगों को बड़ी आसानी से दिखता है कि ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, बट भारतीयों को ये दिन देखने के लिए या इस दिन का इंतजार करने के लिए काफी त्याग और संघर्ष करने पड़े हैं। क्योंकि आप लोग देखते हो साथियों, आधुनिक भारत में अंग्रेजों का आगमन भारत में हो चुका था और अंग्रेज ही शासन करते थे। अब अंग्रेज जब आए थे तो अंग्रेज कहते थे कि आप लोग गवार लोग हो और आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है और हम आप लोगों का संविधान तैयार करेंगे, हम आप लोगों का संविधान बनाएंगे। तो इसी विषय को लेकर के, संविधान के निर्माण के विषय को लेकर के एक लंबी बहस, लंबी चर्चा भारतीयों के बीच और अंग्रेजों के बीच चली। ठीक है, तो ये साथ साथ चलती रहती है। भारतीय तो कहेंगे कि हमारा संविधान स्वयं हम बनाएंगे और अंग्रेज कहते हैं कि आप लोगों का संविधान, क्योंकि आप लोग अनपढ़ गवार लोग हो, आप सभ्य नहीं हो, आपका संविधान हम बनाएंगे। ठीक है, तो अब भारत में हम लोग देखते हैं संविधान की शुरुआत या संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने दिया। ये सवाल एक बार नहीं, 1,00,000 बार परीक्षाओं में पूछा गया है, भारत में सर्वप्रथम संविधान का विचार किसने दिया या संविधान की बात किसने की। ठीक है, तो इसको पॉइंट वाइज हम लोग लिखेंगे, ईयर वाइज जो जो घटनाक्रम राजनीतिक व्यवस्था के अंदर हमारे को देखने को मिले हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले भारत के अंदर 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की, संविधान सभा की मांग की। साथियों, बेसिकली भारतीय जो लोग थे वो इस बात से तो बिल्कुल भी सहमत नहीं थे कि अंग्रेज हमारा संविधान बनाएंगे। बस उनको जो दिक्कत थी वो यही दिक्कत थी बेसिकली कि संविधान कैसे तैयार करेंगे। लेकिन यहां पर 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह बताया गया कि भारतीय जो संविधान है वो संविधान सभा बनाएगी और संविधान सभा के गठन के लिए आप लोग अनुमति दे, यहां पर मांगता है 1895 में। तो आप लोगों को कई बार सवाल दिखने को मिल जाएगा, भारत में संविधान का उल्लेख या संविधान शब्द का प्रयोग या संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने की। अगर पूछ ले संविधान की मांग किसने की तो भी उत्तर यही है, और पूछ ले संविधान सभा की मांग की सर्वप्रथम तो भी उत्तर आपका 1895 बाल गंगाधर तिलक है। अब क्या हुआ साथियों, 1922 के अंदर दूसरे नंबर पर आते हैं, 1922 के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय संविधान सभा की मांग की जाती है, भारतीय संविधान सभा की मांग की जाती है। आप लोग देखते हो साथियों, वो भी संविधान सभा की मांग कर रहा है और ये भी संविधान सभा की मांग कर रहा है। देखियो, संविधान की मांग करने का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये बाल गंगाधर तिलक ने तय कर दिया है कि संविधान जो बनाएगा वो संविधान सभा बनाएगी। अब वो संविधान सभा के गठन की भी बात नहीं कर रहे थे अंग्रेज, इसलिए उन्होंने क्या किया, लगातार हर व्यक्ति संविधान सभा की मांग करता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, अब यहां 1922 तक हम आ लिए हैं और अंग्रेजों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आदेश वहां से आज्ञा संविधान सभा के लिए नहीं दी गई है, और वो अब तक भी इसी बात पर अड़े हुए हैं कि आप लोगों का संविधान हम तैयार करेंगे और भारतीय संविधान कैसा हो
इसके स्वरूप पर चर्चा करने के लिए अंग्रेज इंग्लैंड से या एक साइमन कमीशन को भेजते हैं। उस साइमन कमीशन का जो मुख्य कार्य था वो भारतीय संविधान के स्वरूप पर चर्चा करना था भारत में आकर के। परंतु उस साइमन आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, तो उसका भारत में आते ही कड़ा विरोध किया गया। अब लोगों का तर्क था भारतीयों का कि भारतीय संविधान जो है वो हम लोग खुद तैयार करेंगे, ये आप लोगों को अधिकार नहीं है। दूसरी बड़ी बात ये थी कि ये जो साइमन आयोग था इसमें कुल 7 सदस्य थे और एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो भारतीयों को ये बात लगी कि भाई संविधान हमारे लिए तैयार किया जा रहा है और हमारी कोई भी स्थान इसमें नहीं दिया गया है। साथियों, आप लोग इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि कोई नियम, संविधान मतलब नियम, आप लोग इसी बात को थोड़ा सा साथ साथ रखना। आपके घर के बारे में कोई नियम बनाना हो और कोई बाहर का आकर के आपके लिए नियम बनाए, तो कहीं तक आप लोगों को ये बात जस्टिफाई, न्याय संगत नहीं लगेगी, क्योंकि आपके घर को जितनी अच्छी तरह आप लोग जानते हो, आपकी तुलना में कोई भी दूसरा व्यक्ति उतनी अच्छी तरह आपके स्वरूप पर चर्चा नहीं कर सकता है। तो यहां अंग्रेज फिर उसी बात पर अड़े रहे कि आपका संविधान हम लोग तैयार करेंगे, और 1927 में, और भारत में आता है फिर ये 1928 में, साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया था। तो भारत में साइमन आयोग आता है और इस साइमन आयोग का जो कार्य था वो कार्य था भारतीय संविधान के स्वरूप पर चर्चा करना। तो आप लोग लिखोगे साइमन आयोग 1928 में भारत आया, इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य भारतीय संविधान के स्वरूप पर चर्चा करना था, स्वरूप पर चर्चा करना था। स्वरूप पर चर्चा कैसे करना था? अब अंग्रेज कहते थे इंग्लैंड में बैठे हुए कि आप लोगों का संविधान यानी भारतीय संविधान हम तैयार करेंगे वहां इंग्लैंड में ही बैठ के। अब इंग्लैंड में बैठे अंग्रेजों को क्या पता कि भारत की यह संविधान में किस किस चीज का प्रावधान करना जरूरी है और किसका नहीं। अब इस पर चर्चा करने के लिए, इस पर विचार करने के लिए, इस पर भारत की स्टडी करने के लिए वहां से एक 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया जाता है और वो भारत में, यहां पूरे भारत में घूम करके, भारतवर्ष में घूम करके उसने ये स्टडी करनी थी क्या क्या प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल करना चाहिए जो अंग्रेजों के द्वारा तैयार किया जाएगा। अब इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभी सदस्य अंग्रेज थे, जिसका भारतीयों ने कड़ा विरोध किया, जिसका भारतीयों ने कड़ा विरोध किया, कड़ा विरोध किया, और इसी विरोध के फलस्वरूप, इसी विरोध के फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप लाहौर में, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की, लाठियों व डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। देखिए साथियों, जैसे ही साइमन कमीशन या साइमन आयोग भारत में आया था, तो जैसे ही वो बंबई उतरा था तो वहीं पर साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगने शुरू हो गए थे। और जैसे जैसे वो भारत के अलग अलग स्थानों पर
उसका विश्लेषण या उस पर विचार करने के लिए गया, उस स्थान का अध्ययन करने के लिए गया, तो वहीं वहीं पर उसका कड़ा विरोध किया गया था। तो लाहौर के अंदर साइमन आयोग के विरोध के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय की अंग्रेजों के द्वारा पीट पीट कर, लाठियों और डंडों से पीट करके हत्या कर दी गई थी। उसके थोड़े ही दिन बाद वो मर चुके थे, यानी जा चुके थे। अब वहाँ पर उसने मरने से पहले एक नारा अंग्रेजों के लिए दिया था। वो नारा भी कई बार, वो स्लोगन भी कई बार पूछ लिया जाता है। उसने नारा दिया था कि मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठिया अंग्रेजी शासनकाल के ताबूत की कील साबित होगी। मतलब साथियों, ताबूत होता है जिसमें शहीदों की डेड बॉडी लाई जाती है, वो लकड़ी का जो बॉक्स होता है। अब वो लकड़ी का बॉक्स जो होता है वो कील से बनता है, वो कील ठोक करके। तो उसने कहा था कि जितनी लाठियां मेरे ऊपर पड़ेगी उतनी ही कील आप लोगों को ज़्यादा मिलेंगी। अब ज़्यादा कील होंगी तो ज़्यादा ताबूत बनेंगे। इसलिए अब क्या हुआ, इतने विरोध के कारण वो जो साइमन आयोग संविधान के स्वरूप पर चर्चा करने के लिए भारत आया था, उसको खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। आप लोग लिखोगे विरोध के कारण, विरोध के कारण साइमन आयोग को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा, खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। अब देखियो भाई, वापस तो वो जरूर चला गया, लेकिन ना वो एक चुनौती भारतीयों को देगा कि आप लोग मेरे को वापस गो बैक तो जरूर कर रहे हो, बट क्या आप लोग इतने सक्षम हो कि स्वयं कोई ऐसा सर्वमान्य संविधान तैयार कर सको जो सभी धर्मों को, सभी जातियों को मान्य हो। क्योंकि अंग्रेज इस बात से बलिभांति परिचित थे कि भारत जो है विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न जात और विभिन्न अक्षेत्रों का देश है, और यदि कोई एक धर्म यहाँ पर कोई कानून या संविधान तैयार करेगा तो दूसरा उसको नहीं मानेगा। तो अब भारतीयों के द्वारा भी कोशिश की जाएगी और वही काम होगा जो अंग्रेजों ने सपना देखा था। ठीक है, तो आप लोग पहले तो इसको कंटिन्यू करोगे, परंतु जाने से पहले उसने भारतीयों को सर्वमान्य संविधान, सर्वमान्य संविधान तैयार करने की चुनौती पेश की। ठीक है, तो चुनौती वो पेश करता है साथियों कि आप लोग कोई सर्वमान्य संविधान तैयार करो, और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए देश के अंदर 1928 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता, जिसने 1923 में अपनी पार्टी भी बना ली थी, स्वराज पार्टी, तो उनके द्वारा एक संविधान तैयार किया जाएगा जिसको भारतीय राजनीति के इतिहास में नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो एक बार जल्दी जल्दी से अगर आप लोगों ने ये उतार लिया हो तो इसको साफ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 1895 में सर्वप्रथम भारत में संविधान की या संविधान सभा की मांग की गई थी। 1922 में फिर महात्मा गांधी के द्वारा, साथियों सवाल पूछ लेगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा भारत में संविधान सभा की मांग कब की गई, तो वो की गई है 1922 में। दूसरा सवाल आप लोगों से नीचे पूछ लेगा, साइमन आयोग का गठन कब किया गया, साइमन आयोग का गठन जो किया गया था वो नवंबर 1927 में इंग्लैंड में किया गया था, भारत वो कब पहुंचा, तो भारत वो पहुंचा है 1928 में पहुंचा है, जिस यहाँ पर पहुंचते ही उसको साइमन कमीशन गो बैक के नारे जैसे स्लोगनों का भी
सामना करना पड़ा, और फिर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में उसका जहाँ जहाँ पर भी वो गया विजिट किया उसने, वहीं पर उसका विरोध हुआ और लाला लाजपत राय की मृत्यु भी लाठी और डंडों के द्वारा पीट करके कर दी गई। और वो जाते हुए फिर एक चुनौती दे के गया, और उसी चुनौती को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, क्या थी वो क्या नहीं थी। तो तीसरे नंबर पे आप लोगों ने देख लिया साइमन आयोग, अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट आप लोग बनाओगे, फोर्थ पॉइंट में आप लोग लिखोगे 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। वही ये नेहरू रिपोर्ट क्या है आप लोग इसमें लिखोगे, साइमन आयोग की, साइमन आयोग की चुनौती को स्वीकार करते हुए, स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक संविधान तैयार किया गया, संविधान तैयार किया गया जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली नेहरू रिपोर्ट और कुछ नहीं थी, जो साइमन आयोग चैलेंज भारतीयों को देकर के गया था उसी चैलेंज को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू जो उस टाइम के बड़े वकील थे उनके द्वारा देश के लिए एक संविधान तैयार किया गया था। अब जो सपना अंग्रेजों के द्वारा देखा गया था कि दूसरा धर्म या दूसरी जाति के लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे, कुछ ऐसा ही सेम भारत के अंदर हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के बड़े लीडर थे या मुसलमानों के बड़े नेता थे, उनके द्वारा इस नेहरू, मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किए गए संविधान का यानी के नेहरू रिपोर्ट का अस्वीकार कर दिया गया कि भाई इसको हम नहीं मानते। और 1928 में ही फिर मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा एक संविधान तैयार किया गया जिसको जिन्ना रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, जिसको जिन्ना रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। आप लोग लिखोगे नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना के द्वारा, ना के द्वारा एक संविधान तैयार किया गया, एक संविधान तैयार किया गया जिसको हम जिन्ना रिपोर्ट कहते हैं। अब क्या हुआ साथियों, अगला जो कदम है वो 1934 और भारतीय संविधान के निर्माण की दशा में या निर्माण की दिशा में एक बड़ा ही माइलस्टोन यानी मील के पत्थर का काम इस कदम ने किया है। वो क्या था, एक कम्युनिस्ट लीडर यानी एक साम्यवादी नेता भारत के हुए हैं M.N. रॉय, जिसको हम कहते हैं मानवेंद्र नाथ रॉय, ये भारत का प्रथम साम्यवादी नेता भी था। भारत के अंदर साम्यवादी विचारधारा जो आज आप लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ माओवाद आप लोग देखते हो, तो इन दो विचारधाराओं का जनक या साम्यवाद को या कम्युनिस्ट को भारत में लाने का जो श्रेय जाता है वो M.N. रॉय को ही जाता है। अब उनके द्वारा आप लोग लिखोगे 1934 में M.N. रॉय, M.N. रॉय के द्वारा पहली बार औपचारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की गई, संविधान सभा की मांग की गई। अब देखियो भाई, यहां पर आप लोग कंफ्यूज करोगे, सवाल पूछ लेगा भारत में
अनौपचारिक रूप से पहली बार संविधान सभा की मांग कब की गई? तो संविधान सभा की पहली बार मांग कौन कर रहा है? 1895 में। आप लोगों को पहला पॉइंट यदि याद हो तो बाल गंगाधर तिलक कर रहा है। लेकिन सवाल पूछ ले, अब वो है अनौपचारिक ढंग से, ठीक है, अब या वो अनौपचारिक भी ना दे तो सीधा आप लोगों से पूछ ले भारत में सर्वप्रथम या भारत में पहली बार संविधान सभा की मांग कब की गई है, तो वो कब की जा रही है? 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की जा, पूछ ले पहली बार औपचारिक तौर पर या औपचारिक ढंग से, फॉर्मली वे में। अब औपचारिक क्या होती है, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, औपचारिकताएं होती हैं, उनके साथ संविधान सभा की मांग करता है। तो आप लोगों से पूछ ले भारत में सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग किसने की है? तो औपचारिक रूप से M.N. रॉय जो है उसके द्वारा संविधान सभा की मांग की जाती है। अब 1934 में ही इसको देख करके, इसके बाद फिर 1934 में ही क्या होता है, स्वराज पार्टी क्या थी साथियों? महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, वो असहयोग आंदोलन गोरखपुर जिले के अंदर एक जगह थी चोरी चोरा। अब चोरी चोरा की हिंसात्मक घटना के बाद असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया गया था। अब इस घटना से नाराज होकर कांग्रेस के जो बड़े लीडर थे मोतीलाल नेहरू और उसके सहयोगी तेज बहादुर सप्रू के सहयोग से मिलकर के उसने एक पार्टी बनाई थी जिसको कहते हैं स्वराज पार्टी। अब स्वराज पार्टी के द्वारा भी पहली बार औपचारिक रूप से, आप लोग लिखोगे स्वराज इनके द्वारा, पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, संविधान सभा की मांग की गई। तो अब देखना साथियों, घबराने की या कंफ्यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसमें भी यही है पहली बार औपचारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की गई और उसमें भी औपचारिक तौर पर पहली बार संविधान सभा की मांग की। अब इन दोनों में फर्क क्या है, यदि सवाल पूछ लिया जाए भारत में पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग कब की गई है, तो 1934 में M.N. रॉय, इसका पूरा नाम है मनविंदर नाथ रॉय के द्वारा की गई है। यदि पूछ लिया जाए भारत के किस राजनीतिक दल के द्वारा यानी किस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा औपचारिक तौर पर पहली बार मांग की गई है, तो अब वो मांग स्वराज पार्टी के द्वारा कब की गई है। अब इसमें जरूरत क्यों है इसको इतना डिटेल से या इतनी जोर लगा करके पढ़ने की, क्योंकि ना साथियों भारत में जो स्वतंत्रता के लिए या भारतीयों के हक की लड़ाई या हकों के लिए जो आवाज़ उठाती थी उस समय की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती थी कांग्रेस। अब उत्तर में कांग्रेस भी जरूर मिलता है और ज़्यादातर बच्चों का जो ऑप्शन होता है वो कांग्रेस ही लगा करके आते हैं, बट क्योंकि ये मांग औपचारिक तौर पर पहली बार स्वराज पार्टी ने उठाई थी तो उत्तर इसका क्या हुआ, स्वराज पार्टी कांग्रेस के द्वारा। तो इसी मांग को 1935 यानी 1935 में फिर उठाया जाता है, इसके बाद स्वराज पार्टी के बाद। ये भी कई बार यदि पूछ लिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई है, तो वह 1935 में की जावे, फिर आप लोग लिखोगे कांग्रेस के द्वारा पहली बार। तो कांग्रेस के द्वारा पहली बार जो मांग की जा रही है वो कब की जा रही है, 1935 में, किसके बाद, स्वराज पार्टी के बाद, ठीक है। तो ये था साथियों 1935 तक। अब आप लोग यहां पर नोट करोगे
साल 1935 आ लिया है और आज तक भी अंग्रेज इसी बात पर अड़े हुए हैं कि आप लोगों का संविधान हम तैयार करेंगे। और भारतीय लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि भारतीय संविधान स्वयं भारतवासी तैयार करेंगे और आप लोग इसके लिए संविधान सभा के गठन की अनुमति या वो परिस्थितियां हमारे को प्रदान कराए जिसमें हम संविधान सभा का गठन या संविधान सभा की स्थापना कर सके। तो आप लोग साथियों, एक बात या एक चीज़ आप लोगों ने शुरू से क्लास में नोट की होगी, आप लोग संविधान देखते हो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, लेकिन उसका कितना लंबा इतिहास या उसको प्राप्त करने के लिए कितनी ज़्यादा संघर्ष, कितने ज़्यादा त्याग भारतीयों के द्वारा किए जा रहे हैं, ठीक है। इतना आसान नहीं है जो संविधान हमारा बन करके तैयार हुआ था नवंबर 1949 को। और बड़ी खुशकिस्मती आप लोगों की है कि भारतीय संविधान के निर्माण की क्लास आज हमारी चली हुई है और कैसे कैसे किन किन पद सोपानों से उसको गुजर करके जाना पड़ा है। और कल को ही, आज 25 नवंबर है, कल को 26 नवंबर को ही भारत में संविधान दिवस भी मनाया जाएगा, ठीक है। तो वो भी देखेंगे हम कैसे कैसे क्या है वो। अब क्या हुआ, आप लोग देखोगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ी ट्रेजेडी 1939 से शुरू होती है, दुनिया भर में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। अब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है तो मित्र राष्ट्रों की स्थिति उस युद्ध में बिल्कुल लगातार खराब होती जाती है, यानी ब्रिटेन उसमें था, अब ब्रिटेन की स्थिति लगातार खराब होती चली जाती है। अब अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को बिना कोई चर्चा किए इस युद्ध में शामिल कर लिया जाता है। अब भारतीयों के द्वारा इसका कड़ा विरोध किया जाता है। अब कड़ा विरोध किया जाता है तो अंग्रेज मनाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो। अब पहली बार मजबूरी में, ताकि भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में युद्ध में शामिल किया जा सके, मजबूरी में आके अंग्रेज ने कहा है कि चलो आप लोग अपना संविधान स्वयं तैयार कर लियो। तो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ ले है कि अंग्रेजों के द्वारा पहली बार कब यह स्वीकार किया गया कि भारतीय संविधान स्वयं भारतवासी तैयार करेंगे, तो वो किया गया था साथियों अगस्त 1940 में। इसको कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। एक प्रस्ताव भारत इंग्लैंड की संसद ने, ब्रिटेन की संसद ने पास किया था, तो वो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो 1940 में पहली बार ये स्वीकार कर रहे हैं। और वो क्यों स्वीकार कर रहे हैं, या आप लोगों को मैंने बता दी है कि यह मजबूरी हुआ है ताकि भारतीयों को ब्रिटेन के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर सके, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पर लिखोगे 1940, इसमें आप लोग यहां पर लिखोगे अगस्त प्रस्ताव, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा ये रखा गया था, इसलिए इस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। अब ये है क्या, आप लोग लिखोगे इसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहली बार यह स्वीकार किया गया कि भारतीय संविधान स्वयं भारतवासी तैयार करेंगे, स्वयं भारतवासी तैयार करेंगे। अब देखना क्या है साथियों, यहां पर इस पॉइंट में देखना यह है कि अब ये स्वतंत्रता, या ये तो तय कर देते हैं कि संविधान कौन बनाएगा, ये तो बात यहां पर तय होली, अंग्रेजों के हाथ से निकल करके अभी एक मान किसके हाथ में आ गई, भारतीयों के हाथ।
अब उसने खुद ये बात स्वयं स्वीकार करी है कि भारतीय संविधान जो है स्वयं भारतवासी तैयार करेंगे, बट ये नहीं बताया कौन भारतवासी तैयार करेंगे। यहाँ पर भी अंग्रेज अपने आप में चालाक लोग थे और वो ऐसे ही घुमा फिरा करके बात करते थे, और यहाँ पर भी उसने यही उसका प्रमाण दिया है। ये तो कह दिया भारतीय संविधान स्वयं भारतवासी तैयार करेंगे, लेकिन कौन भारतीय होंगे? अब भारत में तो विभिन्न वर्गों के लोग हैं, यहाँ पुरुष भी हैं, यहाँ महिलाएं भी हैं, यहाँ हिंदू भी है, यहाँ मुस्लिम भी है, यहाँ मनोनीत भी है, यहाँ निर्वाचित भी है, वो बड़े होंगे या बच्चे होंगे, तो ये बात तो तय होनी चाहिए ना। अब साथियों इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है इसको साफ कर देते हैं। अब दो पॉइंट और आप लोगों के बचते हैं, उसके बाद संविधान सभा आएगी। अब क्या होगा, अब इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आएगा, या क्रिप्स आयोग भी जिसको हम बोल देते हैं। तो क्रिप्स मिशन के अंदर क्या होता है, ये बात तय की जाती है, ये भारतीयों को बताया जाता है कि कौन भारतीय तैयार करेंगे। तो अब इसके अंदर वो बताता है, आप लोग वो पॉइंट था 9th, अब आप लोग लिखोगे 10th पॉइंट। 10वें पॉइंट के अंदर आप लोग लिखोगे वर्ष 1942 और यहां पर आप लोग लिखोगे क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन भारत के अंदर आता है स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, और वो फिर उसके अंदर बताता है कि वो कौन भारतीय लिखेंगे संविधान। तो यहां पर ये बताता है कि भारतीय संविधान भारत की एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा, निर्वाचित संविधान सॉरी निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा तैयार किया जाएगा। तो भारतीय संविधान कौन तैयार करेंगे, इस बात का पहली बार उल्लेख करते हैं 1942 का क्रिप्स मिशन। यहां यह बताता है कि ना भारतीय लोगों में से ही एक संविधान सभा तैयार की जाएगी जो निर्वाचित संविधान सभा होगी, यानी भारतीय लोग कुछ लोगों का निर्वाचन करेंगे और वो निर्वाचित लोग ही संविधान तैयार करेंगे। अब साथियों देखने वाली बात यह है, ये तो बता दी कि एक निर्वाचित संविधान सभा होगी, लेकिन ये नहीं बताया उस संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे, क्योंकि संविधान सभा एक वो सभा थी जिसने भारत का संविधान तैयार करना था। तो हर व्यक्ति की इच्छा थी कि मैं भी संविधान सभा का सदस्य हूं, तो फिर कैसे क्या किया जाएगा। अब सदस्य उसने बताए नहीं कितने होंगे, हो गया ना बड़ा जटिलता यहां पर पेश होगी, हमारे पास सामने उपस्थित होगी, मौजूद होगी। अब क्या होगा, यदि आप लोगों से सवाल पूछ लिया जाए भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का प्रावधान पहली बार कहां पर किया गया, तो वो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। ठीक है, किस वर्ष किया गया, 1942 में किया गया था संविधान सभा का पहली बार उल्लेख। ठीक है, अब साथियों क्या होगा, 1942 के बाद आप लोग देखते हो 1946। अब 1946 में कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आएगा। ठीक है, अब ये लास्ट पॉइंट आप लोगों का है, और इसके अंदर आप लोग लिखोगे 1946 कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, अब कैबिनेट मिशन ये बात तय करेगा कि कितने सदस्यों की निर्वाचित संविधान सभा होगी। ठीक है, तो आप लोग इसमें लिखोगे, इसके द्वारा यह बताया गया कि
कि एक 389 सदस्यों की 389 सदस्यों की एक निर्वाचित संविधान सभा होगी, निर्वाचित संविधान सभा होगी जिसका एक सदस्य लगभग 10 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करेगा। तो साथियों, यहां 1946 में कैबिनेट मिशन जो सर पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में भारत में आया, उसके द्वारा यह तय किया गया कि सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो यदि आप लोगों से पूछ ले सदस्य भारतीय संविधान सभा के लिए सदस्यों की निश्चित संख्या किसके द्वारा तय की गई, तो वो किसके द्वारा तय की गई है, कैबिनेट मिशन के द्वारा। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया है, 1946 में ये आया है। ये आया था साथियों कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में। अब मार्च 1946 में यह आया था तो ये संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न। अब देखो वहां निर्वाचित शब्द आया है दोस्तों, ये अब निर्वाचित है तो निर्वाचन करवाना भी जरूरी है। अब उसने कहा कि उसका एक सदस्य लगभग 10 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। तो अब 10 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करेगा। अब 10 लाख जनता के प्रतिनिधित्व में उसके अंदर ये तय किया गया कि 389 जो सदस्य है वो कौन कहां से आएंगे। अब यदि बात की जाए 1946 के भारत की, तो 1946 में साथियों भारत जो था वो दो तरह के लोगों के द्वारा शासित हो रहा था। भारत के एक बड़े हिस्से पे जो शासन कर रहे थे तो वो कर रहे थे अंग्रेज, और भारत के दूसरे छोटे छोटे हिस्सों पर जो शासन कर रहे थे वो कर रहे थे राजा या रजवाड़े, जिनको हम कह देते थे, ठीक है। अब अंग्रेज जहां पर शासन करते थे, ब्रिटिशर्स जहां पर शासन करते थे उसको कहते थे ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत। और इन ब्रिटिश प्रांतों यानी प्रोविंशियल स्टेट्स, प्रोविंशियल स्टेट्स की जो संख्या थी भारत के अंदर उस वक्त वो थी 11। अब राजा रजवाड़े जो शासन करते थे उसको बोलते थे प्रिंशियल स्टेट्स, ये तो है प्रोविंशियल स्टेट और ये है प्रिंशियल स्टेट्स, यानी इनको कहते थे रियासतें। और रियासतों की जो संख्या थी उस टाइम भारत में वो थी 600। अब अंग्रेजों ने बताया कि 389 सदस्यों की जो संविधान सभा होगी उसमें से सिर्फ ब्रिटिश प्रांत जो है, ब्रिटिश प्रांतों के लिए चुनाव संपन्न कराया जाएगा। तो आप लोग यहां पर, ये तो बात थी उस टाइम भारत में कैसे कैसे क्या स्वरूप था भारत का, दो तरह के लोग शासन कर रहे थे, एक अंग्रेज कर रहे थे, दूसरे कुछ छोटी छोटी रियासतों पर राजा कर रहे थे। ब्रिटिश प्रांत, अंग्रेजों ने अपने राज्य को सुचारू ढंग से चलाने के लिए 11 प्रांतों में बांट रखा था, और रियासतें जो थी छोटे छोटे रियासतें भारत के अंदर थी उनकी थी संख्या 600। तो अब आप लोग यहाँ पर सदस्यों का विवरण लिख लेंगे कि जो संविधान सभा के लिए जो सदस्य संख्या तय की गई है। अब यहां पर आप लोग टोटल लिख दोगे 389। अब उसने कहा कि जो प्रांतों से जो लोग चुन करके जाएंगे, प्रांतों से जो लोग चुन करके जाएंगे उनकी संख्या होगी 292। कितनी होगी, 292। अब
देसी रियासतों से जो लोग जाएंगे उनकी संख्या होगी 93। देखियो साथियों, ब्रिटिश प्रांतों से जो लोग चुन करके संविधान सभा की संख्या कितनी थी 379। अब यहां पर ब्रिटिश प्रांतों से जो लोग चुन करके यहां पर जाने थे संविधान सभा में जाने थे उनकी कुल सदस्य संख्या कितनी थी 292 थी। और देसी रियासतों से जो लोग चुन करके जाने थे उनकी सदस्य संख्या कुल कितनी थी 93 थी। अब 292 जो लोग थे ये ब्रिटिश प्रांतों से जो चुन करके गए थे ये लोग थे निर्वाचित, यानी इलेक्टेड पर्सन थे ये, और इनका निर्वाचन जो किया था वो किया था प्रांतीय असेंबलियां जो थी प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, सभा के सदस्यों द्वारा। इन 292 सदस्यों का जो निर्वाचन किया गया था वो किया गया था प्रांतीय विधानसभा। प्रांत कितने थे 11, तो 11 विधानसभा होंगी, तो प्रांतों के अंदर जो विधानसभा थी उनके सदस्यों के द्वारा, उन सदस्यों क्या कहते थे एमएलए कहते थे, तो उनके द्वारा इन 292 सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। अब ये जो देसी रियासतों से जो लोग संविधान सभा में जाने थे जो 93 गए थे ये लोग थे मनोनीत लोग, ये निर्वाचित नहीं थे बल्कि ये मनोनीत लोग थे। इनका मनोनयन किसने किया था, वहां उस रियासत का जो राजा था उस राजा के द्वारा इनका मनोनयन किया गया था। तो एक सवाल आप लोगों से यहां पर पूछ लिया जाता है या यहां पर आकर के खड़ा हो जाता है, क्या भारतीय संविधान सभा पूर्णतः निर्वाचित संस्था थी? तो साथियों, संविधान सभा जो थी वो पूर्णतः निर्वाचित संस्था नहीं थी, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 292 सदस्य निर्वाचित लोग थे, प्लस क्या था पूरी ब्रिटिश प्रांतों को 4 कमिश्नरी में बांट रखा था। अब वो 4 कमिश्नरी जो थी वो कमिश्नरी कौन कौन सी थी, अब 4 लोग यहां से जाने थे, एक कमिश्नरी से एक कमिश्नरी कौन कौन सी है, पहली तो है दिल्ली, दूसरी है अजमेर, तीसरी है कुर्ग और चौथी है बलूचिस्तान। तो 292 सदस्य तो साथियों चले गए सीधे ब्रिटिश प्रांतों से चुनके, और 4 सदस्य चले गए ब्रिटिश कमिश्नरियों से। इस प्रकार कुल इलेक्टेड पर्संस की जो संख्या थी यहाँ 389 में से, अब निर्वाचित जो कुल निर्वाचित सदस्य जो हुए वो कितने हुए, यहाँ पर कुल निर्वाचित सदस्य संविधान सभा में 389 में से, तो उनकी संख्या साथियों कितनी है 292। तो ये जो सीधे ब्रिटिश प्रांतों से गए थे, और 4 लोग ये जो उस टाइम जो ब्रिटिश जो पूरे प्रांत थे या ब्रिटिश साम्राज्य था वो 4 कमिश्नरियों में बांट रखा था। तो दिल्ली, अजमेर, कुर्ग जो है भाई अभी कर्नाटक के अंदर है, और बलूचिस्तान हमारा जो है ये आज का जो पाकिस्तान देखते हो उसके हिस्से में चला गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से वहाँ कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 296 थी साथियों। तो अब पूछ लेता है कि भारतीय संविधान सभा के लिए किस सिफारिश पर चुनाव करवाए गए। तो साथियों, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए गए थे। पूछ लेगा किसके द्वारा संविधान सभा के लिए सदस्यों की संख्या निश्चित की गई, तो किसके द्वारा की गई थी, कैबिनेट मिशन के द्वारा की गई थी। अब साथियों यहीं पर हम लोग देख लेंगे कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब करवाया गया था।
अब देखना, कैबिनेट मिशन जो भारत आया था, कैबिनेट मिशन भारत जो आया है वो आया है मार्च 1946 में, ठीक है, मार्च 1946 में ये भारत आया है, और जुलाई से अगस्त के बीच में ये संविधान सभा के लिए चुनाव करवाता है, संविधान सभा के लिए चुनाव करवाता है भाई। अब ना चुनाव चुनाव कितने सदस्यों के लिए होगा, कुल 296 ये और 4 ये, और कहां पर होगा, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश प्रांतों के अंदर होगा। अब ये चुनाव करवाए गए, कई बार ये पूछ लेता है कि किस पार्टी को कितनी सीट, यानी 296 में से किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें प्राप्त हुई। तो साथियों यहां पर हम लोग देख लेंगे, कांग्रेस स्थान प्राप्त स्थान किसको कितने स्थान प्राप्त, ये आप लोग सब टाइटल डाल सकते हो कॉपी में। तो कांग्रेस को जो इन चुनाव में जो सीटें प्राप्त हुई थी, कांग्रेस वो सीट प्राप्त हुई थी दोस्तों 208। अब दूसरे नंबर पर संविधान सभा में जो बड़ी पार्टी थी वो थी मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग को जो सीट प्राप्त हुई थी वो हुई थी साथियों 73 सीट। और तीसरे नंबर पर जो आदर्श थे, आदर्श को जो सीट प्राप्त हुई थी कुल वो हुई थी 15 सीट। तो इस प्रकार साथियों 296 सीटों का ये विवरण आप लोगों के सामने है। अब हुआ क्या साथियों, मुस्लिम लीग को यहाँ पर कम सीटें प्राप्त होती हैं और ज़्यादा सीटें जो प्राप्त होती हैं वो होती हैं 208 सीट कांग्रेस को। यानी इस प्रकार मोटा मोटी हम लोग कह सकते हैं कि संविधान सभा के अंदर कांग्रेस जो थी उसका प्रभुत्व कायम हो रहेगा, बिल्कुल रहेगा, अकेले को 208 मिली है इसको। तो इसी कारण ना मुस्लिम लीग के द्वारा भारतीय संविधान सभा को अस्वीकार कर दिया गया और संविधान सभा की कार्रवाई में भाग लेने से भी मना कर दिया गया। अब भारतीय संविधान सभा जो है इसका पुनर्गठन होता है एक बार, ये जो टॉपिक है साथियों इस टॉपिक को बहुत कम टीचर आप लोगों को कराते हुए मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ सीधे तौर पर आएंगे भारतीय संविधान सभा 389। अब कई बार क्योंकि उससे भी सवाल पूछ लिया जाता है कि पुनर्गठन के पश्चात उनकी सदस्य संख्या कितनी रह गई थी, ठीक है, तो 299 वो संख्या रह गई थी उनकी। अब कैसे कैसे वो क्या थी, ये तो था भारतीय संविधान सभा और उसमें सदस्यों की भागीदारी, किस स्थान से या भारत के किस हिस्से से कितने लोग संविधान सभा में जाने थे, एक अंग्रेजों के लोग जाने थे, दूसरे राजाओं के लोग जाने थे, अंग्रेज जहाँ प्रशासन करते थे ब्रिटिश प्रांत कहलाता था, राजा जहाँ प्रशासन करते थे रियासतें कहलाते थे, ब्रिटिश प्रांतों से जो कुल लोग जाने थे 292 जाने थे, रियासतों से जो लोग जाने थे वो 93 जाने थे, ये 292 जो लोग थे निर्वाचित थे प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, और 93 जो ये लोग थे ये मनोनीत थे वहाँ रियासतों के रियासतों के राजाओं के द्वारा। अब 4 लोग यहाँ जो ब्रिटिश जो कमिश्नरी थी वहाँ से चुन करके गए थे। इस प्रकार कुल निर्वाचित जो सदस्य संख्या थे 389 में से उनकी संख्या कुल कितनी थी, 296 थी। अब 296 में से किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने स्थान प्राप्त हुए, कांग्रेस को जो स्थान प्राप्त हुए हैं वो 208 स्थान प्राप्त हुए हैं, मुस्लिम लीग को जो प्राप्त हुए हैं वो 73 स्थान प्राप्त हुए हैं, और आदर्श जो थे निर्दलीय जो थे या कुछ छोटी पार्टियां जो थी उनको कुल 15 स्थान प्राप्त हुए हैं। तो अब यहीं पर इसी के साथ साथ हम लोग कर लेते हैं
आपका संविधान सभा का पुनर्गठन, संविधान सभा के पुनर्गठन की घोषणा जो की गई थी वो जून 1947 में की गई थी। अब जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन जो था, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा संविधान सभा के पुनर्गठन की घोषणा की गई थी। और जो पुनर्गठन होता है साथियों वो हुआ है आपका जो प्रथम बैठक है संविधान सभा की, उस प्रथम बैठक से ही पुनर्गठन माना जाता है। अब आप लोग सबटाइटल इधर आप लोग दोगे, संविधान सभा का पुनर्गठन, संविधान सभा का पुनर्गठन। देखियो साथियों आप लोग अच्छी तरह भली भांति आप लोग जानते हो कि 15 अगस्त 1947 को भारत भी और भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग अलग संघ राज्य बन चुके थे। और इसी प्रकार एक तो कारण वो रहा और दूसरा कारण आप लोग देखते हो मुस्लिम लीग को संविधान सभा में कम स्थानों की प्राप्ति। तो अब संविधान सभा के पुनर्गठन की जो घोषणा हुई है, पुनर्गठन की घोषणा वो हुई है जून 1947 में। जून 1947 में ये जो घोषणा की गई थी ये की गई थी लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। अब लॉर्ड माउंटबेटन के जो द्वारा जो घोषणा की गई थी, अब पुनर्गठन जो हुआ है, पुनर्गठन हुआ है आप लोग यहां पर लिखोगे भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन। अब पुनर्गठन जो हुआ है वो हुआ है 31 अक्टूबर 1947। ये गठन किसी भी असेंबली की या किसी भी सभा का गठन जो माना जाता है, स्थापना जो मानी जाती है वो मानी जाती है साथियों उस सभा की प्रथम बैठक को लेकर के। जैसे अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा है कि हरियाणा की 14वीं विधानसभा के लिए 21 अक्टूबर को चुनाव संपन्न हुए थे और 24 अक्टूबर को उसका परिणाम आया था। अब गठन ये नहीं है कि 14वीं विधानसभा का गठन 24 जो तारीख है 24 अक्टूबर जो है उसी दिन से हुआ है, उसका गठन माना जाता है कि उस दिन सॉरी 14वीं विधानसभा के लिए जो पहली मीटिंग बुलाई जाएगी ना, ये जो पहला सेशन जो बुलाया जाएगा उस तारीख से ही गठन माना जाता है। अब आप लोगों को पता है जो 14वीं विधानसभा है उसके लिए जो फर्स्ट सेशन या फर्स्ट मीटिंग जो बुलाई गई थी वो बुलाई गई थी 4 नवंबर से 6 नवंबर तक की। तो पूछ ले 14वीं विधानसभा का गठन कब हुआ है हरियाणा की, तो वो कब हुआ है 4 नवंबर को। और यदि पूछ ले भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ है, तो पहली पुनर्गठन के पश्चात जब वो पहली मीटिंग बुलाई गई ना तो मीटिंग से ही उसका गठन माना जाता है। तो मीटिंग हुई है पुनर्गठन के पश्चात कब, 31 अक्टूबर 1947। तो साथियों विधानसभा का जिक्र आया था हरियाणा की। इसी के साथ आप लोगों को एक चीज और बता देते हैं, अभी ये हरियाणा विधानसभा का पहला सत्र था, फर्स्ट सेशन था ये 14वीं विधानसभा का। और ना 14वीं विधानसभा का ये प्रथम सत्र था और कल को यानी 26 नवंबर को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुला रखा है। साथियों सेशन ना कोई भी असेंबली है, चाहे वो सेंटर की है चाहे वो स्टेटों की है, असेंबली के कुल तीन ही सेशन होते हैं, तीन ही सत्र होते हैं। साल का सबसे पहला जो सत्र होता है वो होता है बजट सत्र, जिसको बजट सेशन हम बोलते हैं। दूसरा होता है मॉनसून सेशन, मॉनसून सत्र जिसको हम कहते हैं। और साल के अंत का यानी तीसरा आप लोग कह सकते हो जिसको हम कहते हैं शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन। तो किसी भी सभा के कुल तीन सेशन होते हैं, चौथा कोई सेशन होता ही नहीं है। ठीक है, कई बार आप लोगों को सवाल में पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संसद का सत्र या विधानसभा का सत्र नहीं होता है, ऑप्शन में दे देगा
ए बजट सत्र, बी मानसून सत्र, सी शीतकालीन सत्र, डी ग्रीष्मकालीन सत्र। तो उत्तर लगेगा इसका डी ग्रीष्मकालीन सत्र, जो कि किसी भी विधायिका का सत्र या सेशन नहीं होता है। तो इनके अलावा ना एक सत्र का प्रावधान भारतीय संविधान में कर रखा है और वो कहलाता है विशेष सत्र। वो किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के ही बुलाया जाता है। जैसे भारतीय संविधान के महत्व को देखते हुए कल को हरियाणा की 14वीं विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है 26 नवंबर 2019 को। तो दोबारा फिर अपने टॉपिक पर आते हैं। अब भारतीय संविधान सभा, अब क्योंकि भारत का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के रूप में अलग राष्ट्र या एक अलग राज्य बन गया था, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 389 से जो सदस्य थे इनकी सदस्य संख्या यहाँ से घट करके कम होगी, क्योंकि एक हिस्सा तो वहाँ पर चला गया। और पुनर्गठन के पश्चात जो सदस्य संख्या रहती है, पुनर्गठन के पश्चात संविधान सभा की सदस्य संख्या वो रह जाती है साथियों 229। और इस 229 में से भी फिर वही सेम जो यहां पर चला था, ब्रिटिश प्रांतों से यानी ब्रिटिश प्रोविंसेस से जो लोग जाते हैं चुन करके, वो जाते हैं 229 लोग। और रियासतों से यानी प्रिंसियल स्टेट से जो लोग जाते हैं चुन करके, वो जाते हैं केवल और केवल 70 लोग। तो साथियों इसी क्लास को अगली क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। बहुत जल्द आप लोगों को नए विषय के साथ मिलेंगे। लगातार आप लोगों के इस तरह के नए नए नोटिफिकेशन, नई नई जानकारियाँ आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए आप लोग हमारा YouTube चैनल गुरुकुल अकेडमी करनाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेलकन आइकन के बटन को भी दबाना ना भूलें। साथियों मैं आप लोगों को एक बात ये तय कर देता हूँ, गुरुकुल ना मात्र केवल एक YouTube चैनल है, बल्कि इसने समाज के उस वर्ग के लिए जो किसी कारणवश एक औपचारिक तौर पर संस्थान में भाग लेकर के कोचिंग नहीं ले सकते, उन बच्चों तक भी शिक्षा को पहुंचाने का बीड़ा गुरुकुल अकेडमी के द्वारा उठाया गया है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी हमारा इसमें सहयोग करोगे। थैंक यू। अब स्वरूप पर चर्चा कैसे करना था।